पायदान ऊपर। भारत ने 2021 के लिए वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2020 की तरह अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी 2021 के लिए भी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। शुरू हुआ फसल बीमा जागरूकता अभियान। फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान 1 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। इसे फसल बीमा सप्ताह के दौरान सरकार के भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत 75 अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। 1 से 7 जुलाई 2021 तक सरकार फसल बीमा सप्ताह मना रही है। V.R. चौधरी होंगे नए वायुसेना उप प्रमुख। 1 जुलाई 2021 को एयर मार्शल H.S. अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के साथ एयर मार्शल V.R. चौधरी ने नए वायुसेना उप प्रमुख VCOAS के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल चौधरी 1 अगस्त 2020 से पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एओ सिंह थे। उन्होंने एयर मार्शल H.S. अरोड़ा जो 39 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए से पदभार संभाला। अंशुला राव पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव को डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जुलाई 2020 तक 4 वर्ष का प्रतिबंध दिया गया है। राव डोपिंग के लिए सजा पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गयी। -23 क्रिकेटर ने जानबूझकर एक प्रदर्शन बढ़ाने वाला स्टेरॉइड 19 नॉरिंड्रोस्टेरोन लिया। उन्होंने मार्च 2020 में स्टेरॉइड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। भारत दर्शन ट्रेन संचालित करेगा IRCTC। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक IRCTC द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, परली वैजनाथ, द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। विकसित हुई विश्व की सबसे नन्ही तकनीक। इजराइल के शोधकर्ताओं ने केवल 2 परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है। नई तकनीक प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में से एक में विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे पतली इकाई में सूचना के भंडारण को सक्षम बनाती है। इससे घनत्व, गति, ऊर्जा खपत और दक्षता के मामले में भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुधार की उम्मीद है। उद्यम 4.0 नई दिशा सम्मेलन का दूसरा संस्करण। नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 30 जून 2021 को उद्यम 4.0 नई दिशा पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दिशा का अर्थ डिजिटल इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हेल्पिंग आत्मनिर्भरता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और MSME विभाग के समर्थन से आयोजित किया गया था। राम वन गमन मार्ग का मसौदा तैयार। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया है। यह परियोजना सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के रास्ते में भगवान राम द्वारा अपनाए गए मार्ग के पुनः अनुरेखण का प्रयास है। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगवरपुर धाम, मंझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया जाना है। कोरियन एयर 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर। कोरियन एयर को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान और क्वोट 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर और क्वोट के लिए चुना गया है। पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। ATW संपादकों और विश्लेषकों से मिलकर वैश्विक जजों की टीम बनाकर विभिन्न कारकों का व्यापक मूल्यांकन करके हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का चयन करता है। यह 1974 में शुरू हुआ और 2021 का